प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स के अंदर उसने बोला रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन। जब ये वर्ड आ जाए मिनिमम डेविएशन, और गारंटी है कि प्रिज्म फॉर्मूला तो लगेगा, क्योंकि प्रिज्म फॉर्मूला लगता ही मिनिमम डेविएशन पे है। तो ये रहा प्रिज्म फॉर्मूला म्यू कैलकुलेट करने का, तो प्रिज्म फॉर्मूला तो लगेगा। तो कह रहे मिनिमम डेविएशन है, म्यू आपको गिवन है, रिफ्रैक्टिंग एंगल 60, मैंने आपको बताया था अगर रिफ्रैक्टिंग एंगल है तो R1 नहीं है, R2 नहीं है, R1 प्लस R2 का सम 60 है, और R1 प्लस R2 क्या होता है A, तो A की वैल्यू भी यहां पर 60 है। ठीक, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा निकालना है आपको, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई भी निकालना है। तो एक काम करते हैं, म्यू पता है रिफ्रैक्टिंग एंगल से, ए पता है, तो आप लगाओ फॉर्मूला, म्यू आपको 1.5 पता है, ए आपको 60 पता है, ए आपको 60 पता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, आपको डेल्टा निकाल लेना, जो कि डेल्टा कितना आएगा 36 डिग्री। ये मैथ सॉल्व करके डेल्टा की वैल्यू आएगी, मतलब क्या क्या गिवन है, ये सब गिवन है। साइन ऑफ 30 डिग्री सबको पता है कि क्या है, हाफ है, पुट करके ये टर्म आएगी। साइन इनवर्स 0.75 के एंगल्स नहीं आते, अगर आएंगे तो आपको वैल्यू गिवन देगा वो 48 डिग्री, ऐसा नहीं है नहीं गिवन नहीं होगी, ऐसे एंगल नॉर्मली आते नहीं है, पर ये गिवन होगा तो 48 डिग्री पुट करके डेल्टा की वैल्यू आएगी। डेल्टा आ गया, अब आपको आई भी निकालना है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा था I1 प्लस I2 माइनस A, लेकिन ये मिनिमम डेविएशन का केस है, यहाँ पर I1 I2 की वैल्यू क्या है I, तो 2I माइनस A, यहाँ से आपको डेल्टा M निकाल लिया, A आपको पता है, सॉल्व करके क्या निकालना है, I की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो समझ में आ रहा है कि जब उसने वर्ड मिनिमम डेविएशन लिख दिया, समझो प्रिज्म फॉर्मूला यूज होगा। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक? जैसे फाइंड एंगल ऑफ डिस्पर्शन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन बिटवीन रेड एंड वॉयलेट कलर लाइट, यानी कि दोनों डेल्टा का एंगल का डिफरेंस निकालना है। एंगल ऑफ डिस्पर्शन आज किया तो था, दोनों डेविएशन के डिफरेंस को एंगल ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं। तो ये आपको डिफरेंस निकालना है वॉयलेट और रेड का। रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 है, रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब ए इज इक्वल टू 60 है, और रेड का और वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। मैंने आपको ए की फॉर्मूला करवाया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आज करवाया था, ए इंटू म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड, ए पुट कर देना, वॉयलेट और रेड की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो डिस्पर्सिव पावर से पहले टॉपिक करवाया था एंगल ऑफ डिस्पर्शन कैसे करना है, तो वॉयलेट और रेड के एंगल्स ऑफ डेविएशन के डिफरेंस को एंगल ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट इज इंक्लाइन टू वन फेस ऑफ द प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। ये क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, वन फेस के साथ एंगल 50 है, नॉर्मल के साथ नहीं है, रे का नॉर्मल के साथ एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसने बोला वन फेस, तो इस रे ने फेस के साथ एंगल 50 बनाया, जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो टोटल एंगल 90, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा 40, क्योंकि रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाना है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलना है। तो आपको ये बताना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है ए, ए की वैल्यू कितनी है 60, एंड डेविएटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 42, उसने बिल्कुल नहीं बोला मिनिमम डेविएशन, तो प्रिज्म फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिंपल डेविएशन डेल्टा 42। आपको बताना है कि एमरजेंट रे फेस के साथ प्रिज्म के साथ क्या एंगल बना रही है, ये आपकी एमरजेंट रे है, ये एंगल बताना है क्या होगा, निकालना पड़ेगा। सबसे पहले काम करते हैं, ये I1 पता है, I1 पता है तो I2 निकाल लेते हैं, अगर I2 पता लग गया 90 में से माइनस करके आंसर आ जाएगा,
टोटल एंगल तो 90 आएगा ना, तो I2 निकाल लेते हैं। अब I2 कैसे निकलेगा, डेल्टा क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस ए। आपको डेल्टा पता है, ए पता है, I1 पता है, क्या आ गया I2। I2 एंगल किसके साथ बनेगा, नॉर्मल के साथ। तो फेस के साथ एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस 62 कितना 28, तो आंसर 28 है। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है, अगर I1 पता है और I2 निकालना है तो कैसे निकालना है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ें और देखें क्या फॉर्मूला लगेगा। है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलेटरल का मतलब ए की वैल्यू कितनी है 60। शोज मिनिमम डेविएशन, ये वर्ड सुनते ही समझ में आता है प्रिज्म फॉर्मूला यूज करना है। और एंगल ऑफ डेविएशन कितना है 30, तो डेल्टा एम कितना है 30, ए कितना है 60। क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द लाइट। तो सबसे पहले प्रिज्म फॉर्मूला यूज करके म्यू निकाल लो। आपको ए पता है, डेल्टा एम पता है, म्यू आ गया। म्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वी निकालना है, वी आ जाएगा। तो मतलब प्रिज्म फॉर्मूला से म्यू निकलेगा, फिर म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी से वी की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, प्रिज्म फॉर्मूला आपको म्यू देगा और उसके बाद वी कैसे निकलेगा। ठीक, इस क्वेश्चन को देखें। रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 60, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ एमरजेंस, I1 और I2 बराबर है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस इफ एंगल ऑफ एमरजेंस इज 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ एमरजेंस कितने है? 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो I1 I2 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि 60 है, I1 I2 कितना आ गया 45। क्या निकालना है, आपको म्यू निकालना है क्लास का। इसमें प्रिज्म फॉर्मूला यूज नहीं करना क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मिनिमम डेविएशन है। कि कर सकते हैं, कर भी सकते हैं क्योंकि इसमें I1 I2 के बराबर है, I1 I2 बराबर है, तो मिनिमम डेविएशन तो होगी। पर इसमें म्यू यूज करने का फायदा नहीं है, आपको डेविएशन पूछी है तो तुम I1 प्लस I2 माइनस ए यूज कर दो। I1 और I2 तो बराबर ही है, तो I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा 2i माइनस ए। आई की वैल्यू आपको पता है, ए आपको पता है, वैसे आंसर। प्रिज्म फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, म्यू निकालना है हाँ फिर यूज करना पड़ेगा। अगला स्टेप फिर सुनो, डेल्टा एम आ गया। अब क्योंकि I1 I2 के बराबर है, मिनिमम डेविएशन का केस है, अगला स्टेप मिसिंग है, लिख लो। इसमें म्यू निकालना है तो म्यू का फॉर्मूला यूज कर लेना। म्यू का फॉर्मूला कितना है, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ कितना ए बाई टू। तो यहां से अब डेल्टा एम पता है, ए पता है, सॉल्व करके म्यू भी निकाल लेना आंसर। अगला स्टेप क्या रहेगा, पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मिनिमम डेविएशन का केस है और कैसे पता लगा, I1 I2 के बराबर है इसलिए आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन फेस ऑफ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30. रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 30, तो A इज इक्वल टू 30, तो प्रिज्म का एंगल कितना है 30, और म्यू गिवन है इज सिल्वर्ड, तो आपने राइट साइड को सिल्वर कर दिया, वो मिरर है. एट वॉट एंगल मस्ट अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ अनसिल्वर्ड फेस, तो बताओ कितने एंगल पर मैं लाइट को फेंकूँ, आए बताओ, ताकि जब ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आए तो अपना पाथ रीट्रेस कर जाए, मतलब मिरर से टकराए और पाथ रीट्रेस करके वापस आ जाए. जब भी क्वेश्चन रीट्रेस का आता है, ऐसा तभी हो सकता है जब आपकी जो रे है वो नॉर्मल के साथ आ रही है, नॉर्मल के साथ मिरर पे हिट करेगी तो एज इट इज़ वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है ज़ीरो, रिफ्लेक्शन क्या बनेगा ज़ीरो. ऐसे केस में लाइट बाहर नहीं आएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ज़ीरो है और रिफ्रैक्टिंग एंगल भी यहाँ पर ज़ीरो है, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो हुआ ही नहीं. आपको इसमें क्या निकालना है, आपको आई निकालना है. अब एक बात बताओ मुझे, अगर आई निकालना है और मैं आपको आर बता दूँ तो स्नेल लॉ से आई आ जाएगा. तो एक काम करते हैं, टोटल एंगल ए क्या होता है, सम ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल्स, तो एक रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है आर, और दूसरा यहाँ पर क्या रहा होगा आर डैश, पर आर डैश तो यहाँ पर बनेगा ही नहीं क्योंकि नॉर्मल के साथ लाइट आ रही है. आर डैश ज़ीरो आ गया, ए की वैल्यू 30 है तो आर की वैल्यू भी 30 है. आर की वैल्यू 30 आ गई, स्नेल्स लॉ यूज़ कर दो, म्यू इज साइन आई बाई साइन आर, म्यू आपको पता है, आर आपको पता है, सॉल्व करके साइन आई से आई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें. रीट्रेस में आपको दोनों एंगल्स आई टू और आर टू दोनों को क्या कर देना है ज़ीरो, बाकी रिजल्ट से आंसर आएगा. कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें. नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, यानी कि ए इज इक्वल टू 60, और वो किस में डाल दिया हमने, वाटर में डाल दिया, तो ये प्रिज्म पानी के अंदर पड़ा हुआ है. कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन, उसमें बिल्कुल नहीं बोला मिनिमम, तो प्रिज्म फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, आपको सिंपल डेल्टा निकालना है. डेल्टा निकालना है जब लाइट कितने एंगल पर हिट कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 40, तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना है यहां पर 40. तो ज्योमेट्री कैसे बनेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इज इक्वल टू 40, ये नॉर्मल ये नॉर्मल, ये R1 बनेगा ये R2 बनेगा, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस I2 ले हो या थीटा लो कोई फर्क नहीं, मैंने थीटा ले लिया वैसे I2 भी ले सकते हो. तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में डेल्टा क्या होगा. मेरे को डेल्टा का एक ही फॉर्मूला आता है, I1 प्लस I2 माइनस A. इसमें से A मुझे पता है 60, इसमें से I1 मुझे पता है 40, ये दो वैल्यूज तो मुझे पता है, बस मुझे क्या नहीं पता I2 यानी कि थीटा. तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि थीटा कितना है, आपका आंसर आ जाएगा. तो एक काम करना पड़ेगा, थीटा निकालने के लिए R2 चाहिए, ताकि स्नेल्स लॉ लगा के R2 अगर पता हो तो मैं थीटा निकाल लूं. अब R2 पता करने के लिए मुझे R1 चाहिए, क्योंकि R1 प्लस R2 का सम क्या होता है 60, तो R1 अगर पता लग गया तो R2 पता लग गया. R1 कहाँ से पता लगेगा, स्नेल्स लॉ, यहाँ से लेफ्ट साइड पे स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ 40, म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ R1. तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, ग्लास की वाटर की, सॉल्व करके साइन R1 आएगा. इसमें ये वैल्यू क्वेश्चन में आपको पता है 32 डिग्री, तो आपके पास R1 की वैल्यू आ गई. अब आपके पास R1 आ गया, ठीक, आपके पास R1 आ गया, R1 और R2 का सम क्या होता है A, R1 की वैल्यू को पुट करके क्या आ गया R2 आ गया. आपके पास R2 आ गया, थीटा निकालना है स्नेल्स लॉ, म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ R2, म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ थीटा. म्यू वाटर पता है, ग्लास पता है, R2 पता है, सॉल्व करके क्या आएगा थीटा. थीटा को यहाँ पुट करके क्या आएगा डेल्टा.
तो मतलब कुछ नहीं कर रहे, स्नेल्स लॉ और प्रिज्म का फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे स्नेल्स लॉ से रिलेशन निकालते जा रहे हैं और आपकी वैल्यू आती जा रही है इसमें डेल्टा की। कौन सा प्रिज्म है? थिन है, तो थिन के लिए फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था। अब ये फॉर्मूला है, तो थिन प्रिज्म है और जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 2 डिग्री है, मतलब शक्ल से पता लग रहा है एंगल छोटे हैं, 2 डिग्री कुछ भी नहीं होता, तो ये 2 डिग्री है पक्का, ये फॉर्मूला है। और इसमें डेविएशन 1 डिग्री है, म्यू आपको गिवन है, नहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द प्रिज्म निकालना है, म्यू 1 नहीं है। तो इसमें क्या करना है, इसमें डेल्टा का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में डेल्टा पता है, आपको ए पता है, सॉल्व करके म्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, बात ही खत्म। मतलब मैं तो ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला यूज़ कौन सा करना है इसमें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय कौन सा प्रिज्म है? थिन प्रिज्म है, फिर एंगल छोटे हैं, तो फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। थिन प्रिज्म है इज रिड्यूस्ड टू 1/4 विद रिस्पेक्ट टू एयर व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन हवा में कुछ और है और जब इस प्रिज्म को पानी में डाला तो कुछ और है। पानी में जो एंगल ऑफ जो डेविएशन आएगी, प्रूव करो वो हवा में जो डेविएशन आई थी उसका 1/4 है। मतलब चलो एक एक करके करते हैं, पहले काम करते हैं थिन प्रिज्म है, ये फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले प्रिज्म को किस में रखेंगे? एयर में। जब एयर में रखेंगे तो डेविएशन क्या आएगी? ग्लास एयर, आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, तो ये आपके पास डेविएशन आएगी। फिर आप इस प्रिज्म को किस में रखेंगे? वाटर में। वाटर में ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? वाटर। इसे ब्रेक करेंगे, ग्लास ऊपर वाटर नीचे, तो ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, सॉल्व करके क्या आ गया? एक और डेविएशन आ गई। पानी के अंदर डेविएशन आ गई, हवा में डेविएशन आ गई, दोनों को डिवाइड कर लो 1/4, तो वही तो पूछ रहा है वो। पानी के अंदर जो डेविएशन है वो 1/4 हवा की डेविएशन है, ये प्रूव करो, तो प्रूव हो गया 1/4 है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, दो केस कैसे बनाने हैं, एयर में अलग बनेगा और वाटर में अलग बनेगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक, ये तो इतनी बार क्वेश्चन बोर्ड में आया है ना, मतलब लोगों को इसका आंसर याद होता है √2, कि बोर्ड CBSE NCERT का पक्का क्वेश्चन है ये, पता नहीं घूम फिर के यही क्वेश्चन मिलता है उन्हें और यही डालते रहते हैं, मतलब हर चौथे साल में तीसरे साल में यही क्वेश्चन डाल देंगे जिसका आंसर √2 है। देख लेना खोल के प्रीवियस ईयर, पढ़ लो इसे, ऐसे एक दो क्वेश्चन हैं जो आते हैं, स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन है, एज शोन इन द फिगर, वो ना आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम देगा, ध्यान से ये देखो, ये डायग्राम देगा, ठीक, ये डायग्राम देगा जिसमें लाइट आ रही है 90 डिग्री पे प्रिज्म पे हिट करेगी और 90 भी करेगी। फिर वो कहेगा कि ये से, ये TIR के अंदर भी किया था ऐसा क्वेश्चन, कहेगा इसका पाथ बताओ क्या बनेगा, इस प्रिज्म में ये लाइट बाहर आएगी या TIR होगा, क्या होगा। और क्वेश्चन में गिवन है क्रिटिकल एंगल कितना है इस प्रिज्म का? 45 डिग्री। तो क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ प्रिज्म का क्या है, एक तो रास्ता बताओ इस रे का क्या होगा, बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी, और आपको म्यू भी बताना है क्या है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपने स्केल लेना है और इसको बिल्कुल डायरेक्ट आगे ले जाना है, क्योंकि रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे आ रही है, रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, तो लाइट बिल्कुल सीधा इसे हिट करेगी। कर दिया, फिर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल हो गया, फिर आप ये करेंगे इसमें कि ये एंगल क्योंकि 90 है, ये एंगल गिवन है 45 गिवन होगा इसमें, नहीं गिवन तो गिवन होगा 45 इसमें, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगर ये 45 मेंशन कर लो 45, तो ये 45 है, ये 90,
तो ये ट्राइंगल में ये एंगल भी क्या जाएगा 45 गिवन होगा 45 वो 45 हो गया। नॉर्मल के साथ रे ने एंगल क्या बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि कितना है 45। तो आपने क्या ढूंढना है यहां पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45। कोई डाउट इसमें? तो भाई ज्योमेट्री क्या करना है, रे को सीधा ले जाएंगे नॉर्मल के साथ, फिर क्या करना है इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसके साथ एंगल इस ट्राइंगल से 45, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनता है, नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना है 45। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45, और क्रिटिकल एंगल भी क्वेश्चन में कितना गिवन है 45, इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के इक्वल है, और अगर ये क्रिटिकल के इक्वल है इसका मतलब TIR तो होगा। अब कैसे होगा, ये रे सरफेस के साथ जाएगी, क्योंकि अगर बड़ा होता तो वापस आ जाती, पर एग्जैक्टली 45 है तो ये सरफेस के साथ जाना स्टार्ट करेगी, ये इसका डायग्राम है, क्लियर है। अब क्योंकि क्रिटिकल एंगल 45 है तो म्यू क्या होता है 1/sin C, क्रिटिकल एंगल 45 है 1/√2 आंसर है इसका, ये तो TIR का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो समझ में आ रहा है कि क्या रूल यूज़ करना है इसमें, ठीक।